देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की सबसे स्वच्छ राजनीति की तस्वीर की चर्चा प्रदेश भर की राजनीतिक गलियारे में खूब हो रही है। दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे। इंदौर की राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई मंत्री कांग्रेस दफ्तर पहुंचा। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कांग्रेसियों को एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे थे। आपको बता दें कि 14 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। उसी दिन 11 लाख पेड़ लगाकर इंदौर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इंदौर शहर की पहचान ही माँ देवी अहिल्या की संस्कृति से है और आज राजनीतिक संस्कृति की मिसाल भी इंदौर ने पूरे देश के सामने पेश की है। राजनीति के इस खूबसूरत तस्वीर की प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में जमकर चर्चा हो रही है और लोग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ सभी नेताओं ने जमकर हंसी मजाक भी किए। विजयवर्गीय ने कहा है कि इससे पहले 40-45 साल पहले यहां आया था, उन्होंने सुरजीत सिंह चड्ढा के पिता उजागर सिंह के साथ अपनी यादों को साझा किया और कहा कि वह हमारे उस्ताद थे। जब विजयवर्गीय को बीजेपी से पहली बार 1990 में टिकट मिला तब विधानसभा 4 में उनके पिता उजागर सिंह ही मजबूत नेता कांग्रेस से थे, लेकिन उनकी जगह इकबाल खान को टिकट मिला और विजयवर्गीय पहला चुनाव जीत गए।